हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ नित्या सिंह एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं इस सेशन से रिलेटेड तो उसे भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें, और वीडियो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के 1000 प्रश्न कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड कुछ प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने डच से स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग पुर्तगाली इससे पहले आने वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं। इससे पहले जो भी पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं उसमें पुर्तगाली कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग यहाँ पे डच से स्टार्ट करने वाले हैं, और हम लोग लास्ट में थोड़ा सा मराठा साम्राज्य और संघ के बारे में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। डच कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो पहला डच यात्री आया था वो कार्नोलियल हाउटमैन था, जो कब आया था, 1596 में आया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी इन्होंने, तो 1605 में। कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में। फ्रेंड्स, हमारे जो भी यूरोपीय यात्री आए थे तो यहाँ भी ये व्यापार करने के पर्पज़ से आए थे, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, किस जगह पर स्थापित की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, पूछे जाने के चांसेस हैं, और जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान रखें कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी और कब स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री निज़ामपत्तनम या पोर्टोपोली में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डचों ने पुलिकट में 1610 में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, और इसको इन्होंने अपना मुख्यालय भी बनाया था। तो डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, इसको इन्होंने अपना मुख्यालय भी बनाया था। तो यहाँ पे इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था, उस किले का नाम पूछा है, तो उस किले का नाम है गिलरिया का किला। अगला क्वेश्चन है हमारा, डचों द्वारा, फ्रेंड्स ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, जहाँ भी होगी मैं आपको बता दूँगी, हो जाती है। डचों द्वारा स्थापित बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी थी। तो डचों द्वारा बंगाल में पूछा है कि पहली फैक्ट्री स्थापित कौन सी थी, तो पिपली में इन्होंने स्थापित की थी 1627 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डचों द्वारा हुगली के निकट चिंसोरा में एक किले का निर्माण करवाया गया था, तो उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम है गुस्तावस फोर्ट। तो फ्रेंड्स, गुस्तावस फोर्ट जो है ये चिंसोरा में था, और पुलिकट में गिलरिया का किला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध जो है वो किसके बीच में लड़ा गया था। तो डच और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसे बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ था, 1759 में हुआ था। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ और कब कब स्थापित की। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, मैच द कॉलम आ जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाहों से कि डचों ने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ पे और कब स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित की थी इन्होंने, तो 1605 में की थी। इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी पोर्टोपोली या निज़ामपत्तनम में। इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री स्थापित की थी पुलिकट में 1610 में, जहाँ पे इन्होंने गिलरिया का किला बनाया था और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हमारा, इन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। तो सूरत में इन्होंने कब स्थापित की थी,
1616 में। अगली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी विमलीपट्टनम में, विमलीपट्टनम में इन्होंने कब स्थापित की थी, तो इन्होंने स्थापित की थी 1641 में। अगली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी कराईकल में, कराईकल, और ये इन्होंने स्थापित की थी 1645 में। अगला आते हैं, अगली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी चिंसूरा, चिंसूरा जहाँ पे इन्होंने गुस्तावस फोर्ड का निर्माण करवाया था, कब, तो ये स्थापित की थी इन्होंने 1653 में। कोचीन में इन्होंने स्थापित की थी 1663 में, कोचीन 1663 में। तो इस तरह से इन्होंने स्थापित की थी इतनी सारी फैक्ट्रीज। मसूलीपट्टनम 1605, पोत्तुपोली या निज़ामपत्तनम, पुलिकट 1610, यहाँ पे इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ पे एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम इन्होंने गिलरिया का किला दिया था। सूरत में 1616 में, विमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, चिंसूरा 1653, यहाँ पे इन्होंने गुस्तावस फोर्ट का निर्माण करवाया, कोचीन 1663। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो पिपली में 1627 में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था, तो अकबर था उस टाइम भारत का राजा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, तो ये जॉन मिल्डेन हॉल थे। कब आए थे ये, तो 1599 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री थे और ये कब आए थे, 1608 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस किस का दूत था, तो ये इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उनका दूत था जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कहाँ स्थापित की फैक्ट्री, तो मसूलीपट्टनम में 1611 में। फ्रेंड्स, डच और अंग्रेज़ दोनों ने ही अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों ने कब, 1605 में, और अंग्रेज़ों ने 1611 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों ने पश्चिमी भारत की तथा भारत की दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये इन्होंने स्थापित की थी सूरत में। कब स्थापित की थी फ्रेंड्स, तो 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी दूसरी फैक्ट्री, या फिर ये कहें कि पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था, तो टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किसने करवाया था, तो फ्रांसिस डे ने करवाया था। फ्रेंड्स, फ्रांसिस डे ने 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फ्रेंड्स गेरोल्ड अंगियार जो थे, गेरोल्ड नहीं लिखा यहाँ पे, गेरोल्ड अंगियार जो थे वो मुंबई के वास्तविक संस्थापक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कोलकाता की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी जॉब चार्नॉक ने। जॉब चार्नॉक ने आधुनिक कोलकाता की नींव रखी थी। इन्होंने तीन गांव कालीकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता नामक नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो ये लुई सोलहवें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय वहाँ के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो ये सूरत में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी, तो 1668 में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 1646 से 48 के बीच में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1646 से 48 के बीच में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था,
तो 1649 से 54 के बीच में कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। प्रथम युद्ध 1746 टू 1748, दूसरा 1749 टू 1754 और तीसरा 1757 टू 1757 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के फलस्वरूप ख़त्म हुआ था, तो ये ऑक्सला शापेल की संधि हुई थी, कब, 1748 में, जिसके फलस्वरूप हमारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध ख़त्म हुआ था। कब से कब तक हुआ था ये, तो 1746 टू 1748 तक हुआ था। फ्रेंड्स इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो अंग्रेज़ एडमिरल बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। तात्कालिक कारण, जिसकी प्रतिक्रिया में फ्रांसीसी गवर्नर जो ला बुर्डाने थे, उस समय इन्होंने डुप्ले के सहयोग से मद्रास पर अधिकार कर लिया था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध स्टार्ट हो गया था और ऑक्सला शापेल की संधि जो कि 1748 में हुई थी, इसके बाद ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था, तो ये पांडिचेरी की संधि के पश्चात समाप्त हुआ था, जो कि कब हुई थी, 1753 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक था, तो 1749 से 53 या 54 तक था, और कर्नाटक पांडिचेरी की जो संधि हुई थी वो 1753 में हुई थी। तो फ्रेंड्स कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो था इसमें कुछ पात्र थे, जैसे कि आसफ शाह हो गए, चंदा साहब, अनवरुद्दीन और नासिर जंग हो गए, इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो आसफ शाह की मृत्यु के बाद जो भी चंदा साहब, अनवरुद्दीन और नासिर जंग थे, ये सभी उत्तराधिकार के युद्ध में सम्मिलित थे और इसके फलस्वरूप ही कर्नाटक का द्वितीय युद्ध बना था। तो फ्रेंड्स कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब ख़त्म हुआ था, तो 1753 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा ख़त्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था, तो ये पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई थी। तो पेरिस की संधि के पश्चात कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था। फ्रेंड्स कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था ये कब हुआ था, तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हमारा हुआ था 1763 के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, 1757 नहीं होगा, 1763 होगा, 63 के करीब हुआ था हमारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, वांडीवाश का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आयरकूट, मतलब मेजर जनरल आयरकूट जो था, इसने वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था हमारा वांडीवाश का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये काउंट लाली ने किया था। वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो त्रावणकोर में 1620 में स्थापित की थी, और इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था श्री रामपुर को, और यहीं पे इनकी दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता की स्थापना किसने की थी, तो जॉर्ज चार्नॉक ने, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, कब की थी, तो 1690 में। सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक तीन गांव थे, जिसको मिला के इन्होंने कोलकाता की स्थापना की थी। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी थी उनकी स्थापना का क्रम देख लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1698 में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। फ्रेंड्स इनके आने का क्रम भी लगभग यही है, बस हम लोग डच की जगह पे
ब्रिटिश, और ब्रिटिश की जगह पे डच कर देंगे। डच पहले आए थे लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी, पर इन्हें आने में थोड़ा सा वक्त लग गया था। 1608 के करीब आया था पहला हमारा अंग्रेज यात्री जो था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो गोवा में था। इनके मुख्यालय देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में, हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो नागपट्टनम में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अंग्रेज सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वो कौन था? तो वो सर टॉमस रो थे, जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में समुद्री मार्गों की खोज की गई थी, तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश को भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त हुई थी? तो ये जहांगीर से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1717 में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये फर्रुखशियर ने ये फरमान जारी किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये बाजीराव द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छूना था? तो ये यूसुफ आदिल शाह थे जिनसे गोवा को अल्बुकर्क ने छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस यूरोपीय यात्री को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये हॉकिंस थे हमारे, जिनको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? तो ये पुर्तगालियों को जाता है। कार्टेज क्या था? तो कार्टेज एक व्यवस्था थी, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक आज्ञा पत्र था। इसके अलावा एक आड़मीरा थी, व्यवस्था थी, जिसके द्वारा पुर्तगालियों के जो भी जहाज होते थे, पुर्तगालियों का जो भी सैन्य दल होता था, वो भारतीय जहाज़ों के साथ जाता था, उनके व्यापारिक जो जहाज थे उनके साथ समुद्र में जाता था। तो इनको मिला के सम्मिलित रूप से कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था कहते थे। अगला क्वेश्चन है, इनक्विजिशन क्या होता था? तो फ्रेंड्स, ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायालय होता था, जिसको हम लोग इनक्विजिशन कहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट ग्रांडे जो था वो पुर्तगालियों द्वारा चटकाओं को दी गई एक संज्ञा थी। पोर्ट ग्रांडे जो था, इनके जो महान बंदरगाह होते थे उसको ये लोग पोर्ट ग्रांडे कहते थे, और भारत में इनका कौन सा था बंदरगाह? तो चटकाओं था, जिसको इन्होंने इसकी संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेक्टर नामक जहाज़ से हॉकिंस जो था वो भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों को सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता नामक तीन गांव की ज़मींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? तो अजीमुशान थे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अजीमुशान जो थे इन्होंने अंग्रेज़ों को तीन गांव सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता दिया था, जिससे जो है मिलकर कोलकाता की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन मिल्डेन हॉल किसके दरबार में आया था? तो ये अकबर के दरबार में, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जॉन शर्मन जो आए थे वो फर्रुखशियर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो ये बने थे गुडेहू। फ्रेंड्स, गुडेहू जो थे ये डुप्ले के बाद पांडिचेरी के, तो फ्रेंड्स डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? गुडेहू बने थे, गुडेहू। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा गुडेहू, गुडेहू बना था।
फ्रेंड्स, अब हम लोग यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उनको ख़त्म कर चुके हैं और अब हम लोग थोड़ा सा मराठा राज्य और संघ के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन ये कर लेते हैं कि जो भी यूरोपीय यात्री आए थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स, ये हमको याद करना है अच्छे से, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पुर्तगाली आए सबसे पहले, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पर? कोचीन में। कब स्थापित की थी? 1503 में। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की कन्नूर में, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। कोचीन, कन्नूर दोनों एक आ से हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। 1505 में, 1503, 1505 कोचीन, कन्नूर पहली और दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई पुर्तगालियों द्वारा। अगला हमारे आते हैं डच, तो डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में कब स्थापित की गई थी? तो 1605 में। और दूसरी फैक्ट्री इनकी स्थापित की गई थी कहाँ पे? पोर्टोपोली या निज़ामपत्तनम में। फ्रेंड्स, डचों के बाद हमारे आते हैं फ्रेंड्स डच से रिलेटेड एक और है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं कि इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो बंगाल में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? तो 1627 में स्थापित की थी। उसके बाद हमारे आते हैं अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? तो 1611 में स्थापित की थी। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की सूरत में। फ्रेंड्स, सूरत की फैक्ट्री को हम लोग कह सकते हैं कि इनकी भारत में दूसरी और पश्चिमी भारत में पहली फैक्ट्री थी सूरत की। कब इन्होंने स्थापित की थी? तो 1613 में, 1613 में स्थापित की थी। और इन्होंने कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने कोचीन में, अगर पूछा जाए कि अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो कोचीन में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। कब? 1608 में। अगला हमारे आते हैं डेन, तो फ्रेंड्स डेन ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने त्रावण, ये बहुत थोड़े से समय के लिए थे, तो त्रावणकोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1620 में। और श्रीरामपुर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी और इसको इन्होंने मुख्यालय भी बनाया था। अगला आते हैं हमारे फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कब स्थापित की? तो 1668 में। और दूसरी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। कब? तो 1669 में। तो आइए बढ़ते हैं आज हम लोग आगे मराठा राज्य और संघ की तरफ। फ्रेंड्स, मराठा राज्य और संघ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका यहाँ पे हम लोगों ने संकलन किया है, तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठों में किसका साम्राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा था? तो बालाजी बाजीराव का, जो कि पेशवा थे, तीसरे पेशवा थे, ये तीसरे नंबर के, तो इनका जो साम्राज्य था ये सबसे ज़्यादा बड़ा था, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? तो ये राजा जय सिंह थे। राजा जय सिंह ने दक्षिण में मुग़ल सूबेदार शिवाजी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो ये शाइस्ता खां को भेजा था। कब भेजा था? तो 1663 में भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का राजरोहण कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था। शिवाजी का राजरोहण कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था। फ्रेंड्स, शिवाजी के राजरोहण से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो शिवाजी जो थे, इन्होंने अपना राजरोहण जब करवाया था तो वो दो बार इन्होंने करवाया था। पहला इन्होंने करवाया था 1674 में जून, मतलब 6 जून को इनका हुआ था राजाभिषेक, 6 जून 1674 में करवाया था। तो फ्रेंड्स, उस टाइम जो है इन्होंने वाराणसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम गाग भट्ट था, तो उनको बुलाया था और इनका जो राजाभिषेक था वो रायगढ़ में हुआ था 6 जून 16 डेट थोड़ा इम्पोर्टेंट है 6 जून 1674।
तो इन्होंने गाग भट्ट को, जो कि वाराणसी के थे, उनको बुलाया था। और फ्रेंड्स उस टाइम में इनका जो है तुलादान भी हुआ था और इनका एक और विवाह हुआ था सोयरा भाई के साथ। और दूसरा राज्यभिषेक जो था वो इन्होंने 24 सितंबर 1674 को करवाया था। 24 सितंबर को करवाया था इन्होंने दूसरा राज्यभिषेक, 24 सितंबर 1674 को करवाया था। और उस टाइम जो है निश्चलपुरी गोसाई नामक एक तांत्रिक ने इनका राज्यभिषेक संपन्न करवाया था। तो इनका राज्यभिषेक हुआ कहाँ था? तो फ्रेंड्स इनका राज्यभिषेक जो हुआ था वो हुआ था रायगढ़ के किले में। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया था? तो संगोला की संधि थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी तो साल बाई की संधि से। शिवाजी की मृत्यु, फ्रेंड्स हम लोग राज्यभिषेक के बारे में भी बात कर चुके थे कि रायगढ़ के किले में इनका राज्यभिषेक हुआ था। और फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि इनकी मृत्यु और इनका राज्यभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में, मतलब इनकी मृत्यु भी रायगढ़ में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो फ्रेंड्स चौथ मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था जो 1/4 था। इसकी दर क्या थी? 1/4 थी। अगला क्वेश्चन है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ताराबाई ने। ताराबाई ने मराठों के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया था। अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था, तो ये किस राज्य के अधिकारी थे? तो ये बीजापुर राज्य के अधिकारी थे अफजल खां, जिनको शिवाजी ने मारा था। फ्रेंड्स अफजल खां धोखे से शिवाजी को मारने आया था, तो शिवाजी ने जो है एक कवच पहन लिया था, सुरक्षा कवच, जिससे अफजल खां उनको मार नहीं पाया था। और शिवाजी ने गुप्त रूप से अपनी सेना को जंगल में छुपा रखा था, जिससे शिवाजी अफजल खां से लड़ने में समर्थ हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी? तो ये आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? तो फ्रेंड्स इनकी माता थी, उनका नाम जीजाबाई था, तो उन पे उनका जो है शिवाजी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे इन्होंने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। फ्रेंड्स आंग्ल नेपा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो जिसमें हमारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। और जो हमारा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेलेजली थे। और तीसरा और अंतिम मराठा युद्ध जो हुआ था अंग्रेज़ों का, उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड हेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी क्या होता था? तो ये नायक होता था। अगला क्वेश्चन है, अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, किस एक का अधिकारी था? तो ये आय व्यय का हिसाब रखता था। समय अमात्य जो कि अष्टप्रधान का एक सदस्य था, ये आय व्यय का हिसाब रखता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो चौथ था फ्रेंड्स, चौथ 1/4 भाग जो था वो कर लिया जाता था। अभी हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में, तो इनकी आय का ये मुख्य स्रोत था। फ्रेंड्स चौथ क्या होता था कि जो शिवाजी थे इनके जो आसपास के राज्य होते थे उनको ये आश्वासन देते थे कि ये उन पर आक्रमण नहीं करेंगे और उनके अन्य आक्रमणों से सुरक्षा करेंगे, तो उसके बदले में ये इनसे एक कर लेते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1661 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो ये किन के बीच हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1661 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या की थी? तो अफजल खान की। अफजल खान जो कि शिवाजी को मारने के इरादे से आया था, बीजापुर के शासक का दूत था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो सदाशिवराव भावे जो थे ये मराठा सेना की तरफ से लड़ रहे थे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराया था, कब हराया था? तो ये 1663 ईस्वी में हराया था। शाइस्ता कौन था फ्रेंड्स? तो ये औरंगजेब द्वारा भेजा गया एक सेनापति कह सकते हैं या दूत कह सकते हैं, जो शिवाजी को मारने के लिए आया था, तो ये शाइस्ता खान था।
और कब आया था, तो 1663 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर आए थे? तो ये आगरा में आए थे और यहाँ पे इनको बंदी भी बना लिया गया था। शिवाजी सरदेशमुख वसूल करते थे, तो ये आय का 1/10 की दर से शिवाजी जो थे वो सरदेशमुख वसूल करते थे। ये जो आसपास के इनके सरदेशमुख थे उनसे लिया जाने वाला एक कर था। शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन होता था? तो इसको पटेल कहते थे। ये ग्राम का अधिकारी होता था, तो कर ग्राम से लिया जाता था, इकट्ठा किया जाता था ग्राम स्तर पे, तो इसलिए पटेल कर एकत्रित करता था और इसके कर एकत्रित करने वाला अधिकारी की संज्ञा भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दे दिया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। फ्रेंड्स, शिवाजी के साथ मुगलों की पुरंदर की संधि हुई थी जिसमें शिवाजी ने अपना 3/4 राज दे दिया गया था। फ्रेंड्स, इसी संधि में शिवाजी ने अपने जीते गए 32 किलों में से लगभग 23 किले मुगलों को दे दिए थे। 32 में से कितने किले दे दिए थे? तो 23 किले जो थे वो दे दिए थे इन्होंने मुगलों को। 32 में से 23 किले इन्होंने मुगलों को दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों, मतलब परराष्ट्र जो अपने राष्ट्र से अलग राष्ट्र, मतलब विदेशी मामले जो होते थे उनका मंत्री क्या कहलाता था? तो ये सुमंत कहलाते थे। फ्रेंड्स, उसके अलावा इनको दबीर भी कहा जाता था, दबीर या सुमंत। तो ये परराष्ट्र मंत्री होते थे, जैसे प्रेजेंट टाइम में फॉरेन मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला किला कौन सा था जिसको शिवाजी ने जीता था? तो ये तोरड़ किला था। फ्रेंड्स, जिसको शिवाजी ने जीता था तो ये सबसे पहला किला था। पानीपत के तीसरा युद्ध में पेशवा कौन था? तो ये बालाजी बाजीराव जो थे वो पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा थे। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1661 में हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो ये संभाजी ने किया था। शिवाजी की एक अष्ट प्रधान समिति थी, इसका विघटन किसने किया? तो संभाजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये काशीराज पंडित थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, मराठी द्वारा लगाया जाने वाला, मतलब मराठों द्वारा लगाया जाने वाला सरदेशमुखी क्या था? तो फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कर था ये जो सरदेशमुख जो थे, जो इनके देशमुख होते थे आसपास के, उनके ऊपर लगाया जाने वाला कर होता था। शिवाजी ने पुरंदर के युद्ध में आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो ये पुरंदर के किले में किया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जब पेशवा होने लगे थे तो हमारे जो पहले पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे, तो इन्हीं को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशवा तो संपूर्ण शिवाजी के जो अष्ट प्रधान होते थे तो उनके जो 8 प्रमुख प्रधान थे उनके नेम दिए हुए हैं और उनका जो कौन से विभाग को वो देखते थे उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहला जो होते थे वो पेशवा होते थे, और पेशवा क्या करते थे? तो पेशवा संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करते थे, इनका ये कार्य था। अमात्य क्या करते थे? तो राज्य के अर्थमंत्री होते थे अमात्य। अगला है वाक्यानवीश, तो वाक्यानवीश राजा के दैनिक कार्यों को लिखा बंद करना और सूचना विभाग का वर्तमान सूचना विभाग मतलब देखते थे ये, और ये वर्तमान गृह मंत्री के समान थे। वाक्यानवीश मतलब जो काम आज गृह मंत्री का होता है उस टाइम वाक्यानवीश का होता था। अगला क्वेश्चन है, सचिव कौन होते थे? तो पत्राचार विभाग से संबंधित अधिकारी होते थे। सेनापति कौन होते थे? तो ये सेना की भर्ती करते थे, उनके रखरखाव से संबंधित कार्य देखते थे। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश कौन होते थे उस समय? तो न्यायाधीश जो होते थे वो दीवानी और फौजदारी मुकदमों का हिंदू कानून के आधार पर न्याय करते थे, तो न्यायाधीश होते थे ये। पंडित राव कौन होते थे? तो धार्मिक मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार होते थे। तो ये शिवाजी के अष्ट प्रधान थे और उनके कार्य थे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पेशवा संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, अमात्य राज्य का अर्थमंत्री, वाक्यानवीश राजा के दैनिक कार्यों को लिखा बंद करना, सूचना विभाग
वर्तमान गृह मंत्री के सम्मानन के कार्य होते थे। सचिव, पत्राचार विभाग से संबंधित अधिकारी, सेनापति, सेना की भर्ती, न्यायाधीश, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का हिंदू कानून के आधार पर न्याय करना, पंडित राव धार्मिक मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाते थे ये। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन, और जिसमें हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आगे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम आधुनिक भारत के इतिहास के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको टॉपिक वाइज करवाते रहेंगे। ये हमारा पार्ट 3 था, इसके बाद हमारा पार्ट 4 आएगा। तो आप लोग बने रहें, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, और ट्रस्ट में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इनको पढ़ते रहें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो उसे पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही, आगे आने वाले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।